बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की सभी 24 सीटों के लिए आज परिणाम सामने आ जाएंगे। सूबे के 24 जिलों में बनाए काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। मतगणना से पहले निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना को लेकर 24 जिलों पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, पूर्णिया व कटिहार में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र स्थल पर बैलेट बॉक्स से सभी मतपत्रों को निकालकर उसकी गिनती शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी मतगणना केंद्र में 14 टेबलों पर वोटों की गिनती की जा रही है। वोटों की गिनती वरीयता वोट के आधार पर होगी। प्रथम वरीयता के वोट के आधार पर कोटे का निर्धारण किया जाएगा। एमएलसी चुनाव के तहत आरा बक्सर निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव परिणाम सबसे पहले आने की उम्मीद है। इस सीट से मात्र 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वोटों का कोटा निर्धारित होते ही जीत व हार तय हो जाएगी। जिन क्षेत्रों में उम्मीदवार अधिक हैं, वहां वोटों का कोटा निर्धारण में देरी या एलिमिनेशन राउंड के तहत वोटों की गिनती के कारण देरी हो सकती है। बता दें कि अक्टूबर नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। इसमें जहां तेजस्वी यादव की जातीय रणनीति और सीटों के बंटवारे के सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी, वहीं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के एकजुटता पर उठते सवालों का लिटमस टेस्ट भी होगा। वीआईपी के 3 विधायकों के साथ आने से विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बनने के बाद बीजेपी विधान परिषद में भी अपना दबदबा बनाने की तैयारी में है। वहीं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुशलता और जेडीयू की मजबूती का भी परीक्षण है। बिहार विधान परिषद के चुनाव में आरजेडी और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि कहीं कहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। इस चुनाव में आरजेडी ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एक सीट उसमें सीपीआई को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो जेडीयू 11 उम्मीदवारों को लड़ाया है। एक सीट एनडीए के घटक दल के पशुपति पारस गुट की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दिया गया है। इस चुनाव में मुकेश सहनी और चिराग पासवान की साख भी दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।